समाजवादी पार्टी को हराने का काम करिए। हम अपने लोगों से कहेंगे सबसे कि सपा साफ हो जाएगी, पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, कमल के फूल पर मोहर लगाइए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। उनके लड़के ने ये कसम खा ली है कि मैं सल्फाज खा लूँगा लेकिन हरिओम यादव को समाजवादी पार्टी में नहीं आने दूँगा। उनको हम सारी नेताजी को सारी स्थिति मालूम है, अब नेताजी की चलती नहीं है, अखिलेश जी समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने तन मन धन अपना सब लगाया, संघर्ष किया, जेल भी काटी और मजबूत करने में इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आदर्श पाल सिंह जी का भी रहा। लेकिन अब समाजवादी पार्टी नेताजी वाली पार्टी नहीं रही है, अब समाजवादी पार्टी को चापलूसों ने और ऐसे लोगों ने घेर लिया है जो समाजवादी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, अखिलेश को कमज़ोर करना चाहते हैं। जैसे रामगोपाल यादव, उनके लड़के, उनको हम समाजवादी पार्टी में रास नहीं आ रहे हैं। उनको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी में अगर हरिओम यादव रहेंगे तो हमारा हमारे लड़के का अस्तित्व जनपद फरीदाबाद में नहीं बचेगा। और उसी के लिए उनके लड़के ने ये कसम खा ली है कि मैं सल्फाज खा लूँगा लेकिन हरिओम यादव को समाजवादी पार्टी में नहीं आने दूँगा। तो हमने ये सोचा, हम कोई क्यों हमारे लिए सल्फाज खाए, भाई किसी की ज़िंदगी बढ़े, हम अपना दूसरा रास्ता चुन लेंगे। क्या हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, हमारे लिए स्वाभिमान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अभिमानी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव स्वाभिमानी न होकर अभिमानी है। उनके अभिमान कूट कूट के भरा है और वो लोगों को अपमान करने में बड़ा संतोष महसूस करते हैं। कि हमने नेताजी को 7 नवंबर को बताई थी, हमारी बेटी की शादी थी, हम कार देने गए थे। उनको हम सारी नेताजी को सारी स्थिति मालूम है, अब नेताजी की चलती नहीं है, अखिलेश जी समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि नेताजी के जो लोग थे, नेताजी के साथ जिन्होंने काम किया था, उन सबको किनारे करने की कोशिश की गई। आदरणीय शिवपाल सिंह ने इस पार्टी को मजबूत करने में इतना योगदान रहा, आप पूरा प्रदेश जानता, उनको 2-3 साल अपमानित किया गया, वो पार्टी से बाहर रखे गए। गठबंधन हुआ, हम लोगों को खुशी हुई कि चला गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में हम भी शामिल हैं, क्योंकि प्रस्ताव में हम जुड़े हुए थे। लेकिन हमारे इशू पे शिवपाल सिंह की भी नहीं मानी गई। और मैं समझता हूँ कि शिवपाल सिंह ने जो टिकटें मांगी गई थी, ज़्यादा टिकटें नहीं मांगी, 5-6 टिकटें मांगी थी, वो भी शायद मुझे लगता है उनको पूरी नहीं दी जाएंगी। तो फिर हमने ये फैसला किया कि जिस दल में सम्मान न हो, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम लोगों से फ़ोन पे बात करते, टाइम देते, हम लोगों से पूछी जाती कि क्या कारण है, हमारी गलती होती तो उसको हमसे पूछा जाए तुमने ये गलती की है। लेकिन कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारी कोशिश नहीं की कि इनसे बुला के फ़ोन करके इनसे बात की जाए, इनको पूछा जाए। पार्टी ये नेताजी में था, नेताजी को पता लग जाए कि ये आदमी हमारा 200 वोट 500 वोट का नुकसान कर सकता है, तो नेताजी अपने लोगों से कह देते हैं कि ये आदमी निकल नहीं जाए, ये पार्टी का नुकसान करेगा। देखिए, फरीदाबाद की तो 5 सीटें सपा साफ हो जाएगी, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। और जहाँ तक आसपास की सीटें हैं, मैनपुरी में हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारे संबंध एटा में, हम अपने लोगों से कहेंगे सबसे कि समाजवादी पार्टी को हराने का काम करिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए, ये हम आप जरूर कहें। हम लोग डील वाले लोग कहाँ हैं, डील वाले होते तो डील तो हमको पहले ही करना, तो आज लोकसभा मेंबर होते, हमारा बेटा MP होता, आज जिला पंचायत अध्यक्ष भी होता, मुकदमे नहीं लगते। हम लोग डील वाले लोग कहाँ हैं, डील हम लोग तो निस्वार्थ सेवा करने वाले और साफ सुथरी बात करने वाले हैं, और बिना शर्त के BJP में गए, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन BJP सम्मान देना जानती है, जो BJP के लोगों ने हमारा सम्मान किया, अगर ये सम्मान हमें हमारी पार्टी में मिलता तो हम काहे को जाते। तो BJP में पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं। हाँ, वर्चुअल तो जनता से हम यही कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, कमल के फूल पर मोहर लगाइए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, जिससे गरीबों को फ्री राशन मिलता रहे, नौजवानों को रोजगार मिलता रहे, किसानों को आदि सिंचाई का पैसा उनसे लगे, और जो उद्योग धंधे हैं, कानून व्यवस्था है, वो ठीक ठाक चले। इसलिए इन सारे मुद्दों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट दे और कमल के फूल पे का बटन दबाए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मोहम्मद से हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए
और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है? और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड कीजिए।